रिबन। तो मैग्नीशियम रिबन का जब हम प्रोग्रेशन करते हैं तो आप लोगों को मैंने बताया क्या बनेगा, Mg प्लस O2। क्लियर आप लोगों को? तो किसकी फॉर्मेशन होती है प्रोग्रेशन के दौरान? मैग्नीशियम। और बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड आप लोगों को पता है कैसे नेचर का होता है? और अगर आप लोगों को पता है जब ये बर्न होता है तो यहाँ पर एक क्या प्रोड्यूस होती है बेटा जी? और एक नीचे इसका जो रेजिड्यू बचता है दैट इज ग्रे व्हाइट कलर का, और वो क्या बनेगा? पाउडर। और ये जो ग्रे व्हाइट कलर का पाउडर होगा ये एक्चुअली होगा किसका बेटा जी बताना? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को फर्दर अगर आप लोग किसमें डिसॉल्व करते हो बेटा जी? इसको फॉर्मेशन होती है और ये भी कैसे रिएक्शन का होता है? तो आप लोगों को इस बात का पता है कि फिनोफ्थलीन जो इंडिकेटर है वो बेसिक मीडियम में कैसा कलर शो करेगा आप लोगों का? क्लियर है? तो देखते हैं इस बात को हम लोग कैसे करेंगे। मान लो अपने पास कौन है, मैग्नीशियम रिबन है, तो मैग्नीशियम रिबन को अगर हम लोग बर्न करते हैं तो जैसे ही मैं इसको बर्न करता हूं तो आप लोगों के पास एक व्हाइट कलर की लाइट प्रोड्यूस होती है, और वो व्हाइट कलर की लाइट के साथ आप लोगों को इस बात का पता भी है क्या होगा बेटा जी? एक ग्रे कलर का पाउडर निकलेगा। क्लियर है? और उस ग्रे कलर के पाउडर को मैं किसमें डाल देता हूँ बेटा जी बताओ? बीकर के अंदर का। क्लियर है सबको? अब अगर मैं उस बीकर के अंदर आप लोगों का क्या ऐड कर देता हूँ बोलो? तो ये आपका जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर। आपके पास क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर होता है। इसके अंदर अगर आप लोग क्या करते हो, वाटर डिसोल्व करते हो एट ए सर्टेन टेंपरेचर, तो आप लोगों के पास क्या मिलेगा बेटा जी बताओ? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपके पास कैसे नेचर का होता है? बेसिक नेचर का। और बेसिक नेचर आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है बोलो? फिनोफ्थलीन इंडिकेटर डालते हो, और जब आप लोग फिनोफ्थलीन इंडिकेटर डालते हो तो आप लोगों को पता है वो तुरंत कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? वाओ, तो ये एक आप लोगों का नाइस कलर हो गया। बोलो कैसा कलर है? नाइस। ये आप लोगों के पास पता चला कि मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड था कौन से नेचर का था? बेसिक। समझ में आया? यस। किस बात का ध्यान रखना बोलिए? वाटर। वाटर के अंदर आपको क्या करना है? एसिड। विद किससे बेटा जी? कांस्टेंट स्थिति। समझ में आया? बट अगर आप लोग क्या करते हो, एसिड के अंदर वाटर डिसोल्व करते हो तो आप लोगों की ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक नेचर की होगी और इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या रिलीज होगी? हीट, जिससे आप लोगों के कुछ पार्टिकल्स एकदम से बम्प्ड आउट होकर आप लोगों के कहां पर आएंगे बेटा? फेस पर आएंगे और फेस बर्न हो सकता है। तो देखते हैं क्या वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता। तो थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग भी। देख रहे हो आप लोग? देख रहे हो आप लोग? और ये हाई एक्सोथर्मिक, इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि आप लोग देखोगे कि ये एकदम से बर्न हो गया अभी। yes, और इसमें आप लोगों के फ्यूम्स आप लोगों को बखूबी दिखाई दे रहे हैं। yes, yes, तो अभी हम लोगों ने एसिड कम अमाउंट में लिया था, अगर आप लोगों के पास एसिड ज्यादा अमाउंट में है तो क्या होगा बोलो? एसिड ज्यादा है तो हाईली एकदम से क्या होगा बेटा? आपकी क्या हो सकती है? ठीक है, सबको समझ में आया? डाइजेशन करते समय हमेशा क्या करना है आप लोगों को? वाटर।